दोस्तों सबसे पहले हमारे चैनल लेडीज स्पेशलिस्ट को सब्सक्राइब करें और साथ ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज आप मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज डिज़ाइन देखने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक और शेयर कर दीजिए, और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने लंबाई ली है 15.5 इंच और इससे बनेगा 13.5 इंच का ब्लाउज। चेस्ट है मेरे पास 9 इंच यानी कि 36 चेस्ट। शोल्डर लिया है मैंने 7.5 इंच बॉटनेक के अकॉर्डिंग, और आर्म होल लिया है मैंने 7 इंच। तो यहाँ पर बॉटनेक की जो चौड़ाई है वो रख रही हूँ मैं 4 इंच, और लंबाई इसमें रखी है मैंने 3 इंच। नीचे की साइड से ये निशान लगाया है मैंने 2.5 इंच पर, और आर्म होल की साइड 6 इंच पर। तो ये इस तरह से तिरछा में इसमें शेप देना है। उसके बाद यहाँ से मैंने इसकी लंबाई ली है 5 इंच और चौड़ाई इसकी रखी है 3.5 इंच। तो ये इस तरह से राउंड बना लेंगे। तो ये 2 पीस में कट हो जाएगा। ये 1/2 इंच जो है शोल्डर हमें डाउन करना है। तो जो ब्लाउज वाला फैब्रिक है इस पर रखकर हमें इसे कट करना है। जैसे ऊपर वाला हिस्सा मैंने वाइट लिया है और नीचे वाला मैंने ब्लैक लिया है, यानी कि 2 कलर में मैं इसे बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले इन हिस्सों को हम अटैच कर लेंगे अस्तर के साथ में। तो ये सिंपली हमें अटैच करना है। और इसी तरह से ऊपर वाला हिस्सा भी हमें अटैच कर लेना है। तो ये दोनों हिस्से हमारे अटैच हो जाएंगे। तो सबसे पहले ऊपर जो नेक है वहाँ पर लगा लेंगे हम पाइपिंग। तो आपको पता ही है पाइपिंग के लिए ओरेब लेनी है हमें 1 इंच चौड़ाई में लगभग, और इसे हमें खींचते हुए लगाना है। ये हो जाएगी हमारी नेक पर पाइपिंग। जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पर भी हमें इसी तरह से पाइपिंग लगानी है। तो ये कॉर्नर है इस पर, तो वहाँ पर मैंने कट लगा लिया है। उसके बाद हमें अपनी पाइपिंग जो है वो फोल्ड करनी है। तो इसके बाद हमें बुकरम लेनी है, उसको मैंने डबल फोल्ड किया है 8 इंच में। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पर हमने राउंड शेप कट किया था, तो ये हमें इस पर ड्रॉ करना है। और ये हो जाएगा हमारा साइड से भी ड्रॉ। देखिए यहाँ पर 3-3 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ एक। आप अगर इसकी चौड़ाई कम करना चाहें तो इसको कम भी कर सकते हैं। अब उसके बाद ये मैंने एक निशान लगाया है 1 इंच पर, उसके बाद थोड़ा सा छोड़ा है, उसके बाद निशान लगाया है 2 इंच पर, और उसके बाद एक पट्टी आए छोटी सी पतली उतना छोड़ा है, उसके बाद वापस से मैंने इसे लिया है 1 इंच। और ये जो 1 इंच है लास्ट में जो बचा है, ये जो 1 इंच है यहाँ पर हमारा अटैच होगा, उस हिसाब से छोड़ दिया है। अब यहाँ पर हमें पत्ती का शेप जो है वो ड्रॉ करना है। और यहाँ लास्ट में जो है वो 1/2 पत्ती जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जो मार्जिन है बुकरम का मार्जिन, वो हमें लेना है 1-1 इंच। तो इसको हम कट कर लेंगे, फ्लावर बनेगा एक तरह से ये।
बस इसको चिपकाते समय हमें इतना ही ध्यान रखना है कि ये फैले नहीं। और यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है, नीचे की साइड से थोड़ा सा छोड़ दिया है 1/2 इंच, और चारों तरफ से 1/2 इंच की दूरी से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब जो 1/2 इंच हमने कट किया था उसे हमें फोल्ड कर लेना है, और जो राउंड शेप बना है वहाँ पर इसे रखकर उल्टी साइड में रखना है इसे हमें। देखिए मैंने अस्तर के साथ में रखा है, अस्तर जिस साइड में है वहाँ पर रखा है इस बुकरम को, ताकि ये सीधी साइड में फोल्ड हो सके। उसके बाद मशीन चला रही हूँ मैं बुकरम के जस्ट पास पास, बुकरम के ऊपर नहीं चला रही हूँ। अब हम इसे कट कर लेंगे। चौथाई इंच दूरी से हमें इसे कट करना है। अब उसके बाद में यहाँ पर हम लगा लेंगे कट। और अब ये हो जाएगा हमारा सीधी तरफ फोल्ड। फोल्ड करने के बाद में मशीन चलानी है हमें इस पर बिल्कुल कॉर्नर पर। और दूसरी मशीन हो जाएगी दूसरी साइड में। तो ये अटैच कर लिया हमने इसे। अब यहाँ पर इन दोनों हिस्सों को हम अटैच करेंगे, तो पहले लंबाई अपनी जरूर नाप लें, उसके बाद इसे अटैच करें। अब देखिए एक राउंड शेप जो है बुकरम की मैंने कटिंग कर ली है यहाँ पर आए उतना, और उस राउंड शेप पर भी हमें इस तरह से पाइपिंग लगानी है। तो यहाँ पर दो पट्टियाँ लगानी है हमें, और उसके बाद इसे अटैच करना है। अभी देखिए पतली पतली डोरियाँ बनाई है, ये डोरियाँ हमारी यहाँ पर अटैच होगी। तो ये चारों जो है डोरियाँ मैंने अटैच कर ली है, उसके साथ लगा लेंगे हम पीछे वाली डार्ट, और ये हो जाएगी हमारी नीचे वाली पाइपिंग। तो ये देखिए मैंने 1/2 इंच में व्हाइट कलर में भी पट्टियाँ बना रखी है, तो ये पट्टी लगानी है हमें निचले हिस्से पर, जो ब्लैक हिस्सा है हमारा वहाँ पर। तो ये एक पट्टी हो जाएगी हमारी, और इसी के साथ एक और पट्टी लगा रही हूँ मैं थोड़े से गैप से, आप चाहे तो सिंगल भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो जरूर लाइक और शेयर कर दीजिए, और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।